नमस्कार, एशियन भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ परिधि रखवंशी और नजर डालते हैं अब एशियन की प्राइम टाइम बुलेटिन की ओर। उधना एक्सप्रेस ट्रेन में एक यात्री की मौत हो गई। इसकी सूचना कटनी स्टेशन पर उप स्टेशन मास्टर वणिज्य को दी गई है, जिसके बाद शव को उतार कर नियमानुसार कार्यवाही की गई है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश निवासी मुकेश उधना एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा कर रहा था। इस दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद शव को कटनी स्टेशन पर उतारा गया और नियमानुसार जांच कर शव को पत्नी के सुपुर्द कर दिया गया है। लेकिन पत्नी के पास शव को प्रयागराज ले जाने के पैसे नहीं थे, लिहाजा समाज सेवी महिला की मदद के लिए आगे आए और शव के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था कर प्रयागराज भेजा गया। ये हमारे गाँव के हैं जो जिनकी डेथ हुई है। ये उधना से यूपी जा रहे थे इलाहाबाद, तो किसी कारण से इनकी डेथ हो गई ट्रेन में। तो हमारे चाचा जी ने हमको फ़ोन किया, बताया कि अपने गांव के हैं, ऐसा इनके साथ हो गया है। तो हमें पता चला तो हम आके इनसे मिले। कहां पे उतारे इनकी बॉडी? इनकी बॉडी को कटनी स्टेशन में उतारा गया है और ये उधना से उधना बनारस जो ट्रेन है ये उससे जा रही थी। एक महिला कमला देवी अपने दो छोटे बच्चे और पति के साथ सफ़र कर रही थी। इनको उधना से बनारस जाना था, जो उधना में मजदूरी करते हैं ये लोग। तो सफ़र के दौरान ही इनके पति की मृत्यु हो गई। तो ट्रेन के कटनी आने पर उप स्टेशन प्रबंधक वाणिज्य की सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति ट्रेन में मृत है और डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है, जिसे तत्काल मौके पर जीआरपी पुलिस द्वारा जाकर शव को ट्रेन से उतरवाकर शव का पंचायतनामा कार्रवाई की जा रही है। उज्जैन में महाकाल मंदिर विस्तारीकरण के कार्यों का कवरेज करने पहुंचे मीडियाकर्मी कवरेज कर रहे थे। उस दौरान किन्नरों द्वारा पैसे की मांग करने पर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि किन्नरों ने मीडियाकर्मियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। पत्रकारों की शिकायत के बाद जब पुलिस ने इन किन्नरों को से पूछताछ के लिए बुलाया तो थाने में ही यह टोली पुलिस से गुंडागर्दी पर उतर आई, साथ ही पुलिस को डराने धमकाने लग गई। पुलिस के सख्त रवैये को देख किन्नरों ने चूहे मार की दवा गटक कर थाने में कपड़े निकाल कर हुड़दंग मचाने लग गए। लेकिन पुलिस की पूरी थाने की टीम ने इन्हें जैसे तैसे अपने काबू में लिया और उपचार हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया। इस पूरे घटनाक्रम में थाने के बाहर खासी भीड़ इकट्ठा हो गई और किन्नरों के इस बिगड़े स्वभाव को देख सख्त कार्रवाई की बात कही। फिलहाल घटना में मारपीट के शिकार हुए पत्रकार शकील खान की शिकायत पर किन्नरों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। बिल्कुल ठीक है जगदीश भाई, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूं कि बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये एक दिन पहले की घटना है, महाकाल मंदिर परिसर में कुछ किन्नर जो है अवैध विवाह ही कर रहे थे, सीधा सीधा कहा जाए तो, क्योंकि उनकी कैनोपी लगी हुई है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रशासन को ध्यान में रखना चाहिए कौन क्या कर रहा है। महाकाल के मेन गेट पे इस तरह की उगाई हो रही है, आम श्रद्धालु परेशान हो रहा है। उसका कवरेज करने के लिए हमारा एक पत्रकार साथी वहाँ गया था और इत्तेफाक की बात है कि उसके साथ भी उन लोगों ने मारपीट की, कुछ अपशब्द का प्रयोग भी हुआ। उसके बाद कुछ आम जनता ने भी इनके साथ कोई हरकत की और मामला पुलिस थाने तक आ पहुँचा। हालांकि पूरा प्रेस क्लब के हमारे सारे युवा साथी और पूरी टीम वहाँ पहुँच गई थी और पहुँचते ही उन्होंने इस मामले को संभाला। उसके बाद वहाँ प्रकरण दर्ज कराया किन्नरों पर और हम प्रशासन से अपील करते हैं कि घटना हुई क्यों रही है। लगभग 12:30 बजे के करीब आज मैं वहाँ महाकाल मंदिर के आसपास चल रहे निर्माण कार्य की कवरेज करने के लिए पहुँचा था और वहाँ मैंने कुछ वीडियोज़ बनाए निर्माण कार्य की। उसके बाद जब मैं वापस लौट रहा था तो उस समय चार किन्नरों ने मुझे पीछे से आकर रोका बड़ा गणेश मंदिर के कोने पर और वहाँ उन लोगों ने मुझसे अभद्रता की, गंदी गंदी गालियाँ भी की। उसके बाद फिर मेरे साथ मारपीट भी की और मेरा मोबाइल भी छीनने का उन्होंने प्रयास किया। इसका जब मैंने उन्हें विरोध किया तो और लोग भी कुछ उनके आ गए जिन लोगों ने मेरे साथ और ज़्यादा मारपीट की। उसके बाद फिर सभी हम लोग थाने आए और फिर थाने भी हमने उनके खिलाफ जो है मारपीट का प्रकरण दर्ज कराया है। जब हम लोग थाने पहुँचे तो उसके बाद भी उन लोगों ने थाने में जो है कि काफ़ी दबाव बनाने का प्रयास किया। उन लोगों ने कई तरह के एलिगेशन भी लगाने के मुझ पर प्रयास किया कि उनसे पैसे मांगे गए या उनसे मारपीट की गई। लेकिन जो भी घटना हुई है वो पूरी जो है कि वहाँ पर लगे हुए जो स्मार्ट सिटी और जो दूसरे कैमरे हैं उन सभी में कैद हुई है और मैं चाहता हूँ कि वो वीडियो सामने आना चाहिए जिससे कि पूरी सत्यता की जाँच हो सके। उज्जैन जिला पंचायत चुनाव में विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने के इच्छुक आवेदक नो ड्यूज को लेकर परेशान हो रहे हैं, जिसे लेकर मक्सी रोड स्थित विद्युत मंडल कार्यालय में अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने आए आवेदकों ने जमकर हंगामा किया है। जिले की पंचायतों से जुड़े 9,890 पदों के लिए शुक्रवार तक 1100
12 नामांकन ही दाखिल हो सके। ऐसे में 6 जून को नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है। ऐसे में कई आवेदक ऐसे भी हैं जो अभी भी जिला पंचायत, जनपद पंचायत, बैंक और बिजली विभाग के चक्कर काट रहे हैं। समय कम होने के चलते बिजली विभाग में भी आवेदक चक्कर काट रहे हैं और कार्यालय में आवेदकों की भीड़ लगी हुई है। नो ड्यूज जल्द से जल्द होने के लिए आवेदक अधिकारियों से विवाद कर रहे हैं। किसान मोर्चे के नेता केसर सिंह पटेल और अन्य ग्रामीण इलाकों से मक्सी रोड बिजली विभाग के कार्यालय पर पहुंचे। पंचायत चुनाव लड़ने वाले आवेदकों ने हंगामा कर दिया। यहां पर बिजली विभाग से नो ड्यूज लेने आए किसान मोर्चा के केसर सिंह पटेल और बिजली विभाग के सहायक यंत्री प्रशांत खत्री के बीच जमकर बहस हो गई। कुछ देर बाद बहस हंगामे में बदल गई और कार्यालय में भीड़ लग गई। जो अधिकारी हैं, माननीय खटीक साहब यहाँ के प्रभारी हैं, और वो हम 2 बजे से खड़े हुए हैं। 2 बजे से यहाँ कुर्सी पे थे ही नहीं, 4:30 बजे आए। बस जब भी इन लोगों ने क्योंकि निर्वाचन चुनाव चल रहा है ग्राम पंचायत का, और जिला पंचायत के सदस्य, सरपंच के उम्मीदवार, जनपद के उम्मीदवार सभी लोग आ रहे हैं, उनको नोटिस चाहिए और बिल वगैरह सब जमा करके आए हुए। कुछ लोगों के कनेक्शन है नहीं, किसी के नाम कनेक्शन नहीं है, उनको रोका जा रहा है निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल होने से, उम्मीदवार बनने से रोका जा रहा है। ये कौन सा तरीका है? मेरे नाम से, मेरे खानदान के नाम से मध्य प्रदेश में किसी भी विद्युत के नाम से बिल बकाया नहीं है। उसके बाद मेरा भी फॉर्म में 2 बजे से जमा कर चुका हूँ, मेरा खुद का रोका हुआ है, और ये अभी भी इतनी बहस के बाद उन्होंने दिया है। इसमें क्या है, जिन लोगों के कनेक्शन होते हैं एक्चुअली में, उन कनेक्शनों पे बकाया राशि अगर रहती है तो हम लोग उसको अपडेट करते हैं, लाइनमैन से रिपोर्ट और हमारा जो ओए ग्रेड है वो देखता है। उसके बाद जब उसकी बकाया राशि अगर नहीं है, निरंक है, तो हम तो उसको सर्टिफिकेट दे देते हैं। चुनाव को लेकर ज्यादा भीड़ है? नहीं, भीड़ कोई नहीं है, एक आदमी नहीं है यहाँ पे। अच्छा। देखिए, आप खुद देखिए, कैमरा घुमाइए जरा, सही नहीं है, एक आदमी खड़ा नहीं है जिसको सर्टिफिकेट ना मिला हो, ऐसा एक आदमी नहीं है। मैं यहाँ सबके बीच में बोल रहा हूँ, कोई भी बोल दे मेरे, आप थोड़ा इस कैमरे को आगे तक भी ले जाइए। देश भर में हसदेव बचाव आंदोलन चलाया जा रहा है। वहीं राशन गांव में जिला किसान संघ ने हसदेव बचाव यात्रा का शुभारंभ किया है। ये यात्रा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हरिहरपुर में हो रहे संकल्प सम्मेलन में पहुंचकर आयोजन में शामिल होगी। हरसेव देव जंगल में कोयले की खदान के विस्तार को मंजूरी मिलने के बाद विरोध बढ़ता ही जा रहा है। मध्य भारत का फेफड़ा कहे जाने वाले उत्तरी छत्तीसगढ़ स्थित जैव विविधता पूर्ण समृद्ध हसदेव के जंगलों को बचाने के संघर्ष में भागीदारी करने जिला किसान संघ ने हसदेव बचाओ यात्रा का जय स्तंभ चौक से शुभारंभ किया है। जी, आज हम लोग हसदेव बचाओ यात्रा की शुरुआत राजनांदगांव के जय स्तंभ चौक से कर रहे हैं, जो 5 जून को हरिहरपुर में, जहां पे हसदेव बचाओ आंदोलन का 70 दिन से ज्यादा से धरना चल रहा है, वहां पर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कल संकल्प सम्मेलन होने वाला है, उसमें भागीदारी करने जा रहे हैं। इस दौरान, इस यात्रा के दौरान हम जगह जगह रुक करके लोगों को संदेश देंगे कि हसदेव बचाने के लिए एक हो। ये जो हसदेव का वन है वो काफी महत्वपूर्ण है, काफी प्रमुखता लिए हुए है। कश्मीरी पंडितों के साथ घाटी में जिस तरह से टारगेट किलिंग की घटनाएं हो रही है, उसे लेकर पूरे देश में धरना प्रदर्शन का दौर जारी है, जिसे लेकर इंदौर में कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है। दरअसल कश्मीर से एक बार फिर हिंदुओं का सबसे बड़ा पलायन हो रहा है, साथ ही पिछले 1 महीने में कई लोगों की हत्या के बावजूद प्रधानमंत्री की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिसके विरोध में कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी के पोस्टर पर ताले लटका कर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि 1 महीने में कश्मीर घाटी में आतंकियों ने 9 कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी है। बड़ी संख्या में घाटी से कश्मीरी पंडित जम्मू आ रहे हैं, वे अपना सब कुछ छोड़कर पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। दूसरी ओर पीएम मोदी पर मुंह पर ताला लगाए बैठे हुए हैं। कश्मीर फाइल्स को लेकर हल्ला मचाया गया था और फिल्म का जमकर प्रमोशन किया गया था, तो अब वह चुप क्यों है? देखिए, विगत 1 महीने में 9 कश्मीरी पंडित और गैर कश्मीरी लोगों की हत्या हो जाती है और देश का प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी चुप रहते हैं, मुंह पे ताला लगा कर बैठे हैं। 32 साल पहले भी यही दृश्य था, जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और वहाँ पे बड़ा पलायन हुआ था, और आज 32 साल बाद वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कश्मीर में से बड़ा पलायन हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री पिक्चरों के प्रमोशन में लगे हैं, देश के गृहमंत्री फिल्मों के प्रमोशन में लगे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी को फिल्मों के प्रमोशन में लगे हैं, वो सिर्फ अपनी TRP बटोरने का काम कर रहे हैं।
जो सही मुद्दा कश्मीर के लिए है, जो सही मुद्दे पे काम करना चाहिए कश्मीर के लिए, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। वो विश्वास जो कश्मीरी पंडितों को मिलना चाहिए वो दे नहीं पा रहे हैं। इसलिए आज हमने विरोध प्रदर्शन में उनके मुंह पे ताला लगाया है कि वो अपने मुंह पे जो लगा हुआ ताला है कश्मीरी पंडितों के लिए खोलें और एक ठोस कदम कश्मीरी पंडितों की रक्षा और सुरक्षा के लिए करें। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच तैयारियों का सिलसिला तेज हो गया है। शनिवार को इंदौर कांग्रेस कार्यालय पर दावेदारों की भीड़ उमड़ी है, जबकि शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल का कहना है कि दावेदारों का चयन सर्वे के आधार पर किया जाएगा। इंदौर कांग्रेस कार्यालय यानी गांधी भवन में चुनावी माहौल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। शनिवार को गांधी भवन चुनावी दावेदारों से गुलजार रहा। सभी दावेदार अपने अपने बायोडाटा लेकर चुनावी मैदान में उतरने की मंशा लिए नेताओं के बीच अपनी बात रख रहे थे। सुबह 11 बजे से ही कांग्रेस कार्यालय पर दावेदारों की भीड़ लगना शुरू हो गई थी। शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल सभी दावेदारों से चर्चा भी कर रहे थे। कांग्रेस ने तो साफ कर दिया है कि टिकट सिर्फ जीत की संभावना वाले प्रत्याशी को ही दिया जाएगा, यानी प्रत्याशियों के चयन में किसी भी तरह का कोई क्राइटेरिया तय नहीं किया गया है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल का कहना है कि एक दो दिन के अंदर सर्वे रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जिताओ उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। देखिए सर्वप्रथम तो सर्वे चल रहा है, हर वार्ड का करीब करीब सर्वे होने जा रहा है। कमलनाथ जी ने भोपाल से जो टीम भेजी है उसके सर्वे चल रहा है। दूसरा चयन समिति हमारी बन गई है, कल भी मीटिंग हुई थी। उस चयन समिति में सर्वे के बाद में उनके नाम रख दिए जाएंगे और जो युवा है जो योग्य है वो जो जीतने की क्षमता रखता है, चाहे वो महिला हो युवा हो और जो जीतने का मानता है उसको टिकट हमारी चयन समिति फाइनल करेगी। किसी प्रकार का कोई कोई इसका बंधन नहीं, जीतने का सबसे बड़ा बंधन है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको टिकट देंगे। शहडोल में आदिवासी प्रसूता का अंगूठा लगाकर शासन की योजनाओं का पैसा खाते से निकालने का मामला सामने आया है। महिला ने कियोस्क संचालक के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई है। एक ओर जहां सरकार गर्भवती महिलाओं प्रसूताओं को कई तरह की योजनाएं चलाकर आर्थिक लाभ दे रही है, तो वहीं समाज के दुश्मन उनके इस पैसों पर भी अपनी नजर गड़ाए हुए हैं, उनके हक का पैसा धोखाधड़ी कर निकाल रहे हैं। ऐसे एक मामला शहडोल जिले में सामने आया है, जहां एक कियोस्क संचालक पर धोखाधड़ी कर आदिवासी महिला का पैसा निकालने का आरोप लगा है। पीड़ित प्रसूता ने अंगूठा लगवाकर ऑनलाइन पैसे निकालने का आरोप लगाते हुए एसपी से मदद की गुहार लगाई है। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है, साथ ही पीड़ित महिला को आश्वासन दिया है कि जल्द ही जांच के बाद आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर पहले हम चेक करवाने आए थे ऑनलाइन से, गाँव में आए थे मझगामा, ये सतीश तिवारी के यहाँ, तो चेक हो गया। पहला अंगूठा लगवाया, तो अंगूठा लगवाए तो बोला कि 12,000 है आपके खाते में, 12,074 रुपये। तो इसके बाद हम बोले कि 4,000 निकाल दो, तो फिर कहे अंगूठा लगाओ, अंगूठा तो लग गया, फिर बोला कि आपका पैसा कट गया है, नहीं मिले गया है। बोला कि सरकार काट लिया, सर्च नहीं पा रहा है, सर्चिंग नहीं कर रहा है, ऊपर से काट लिया सरकार। किस चीज़ का पैसा आया था? वो बच्चे वाला पैसा आया था डिलीवरी का। कब आया था सर? ये हम 2 तारीख को गए थे चेक करवाने। कहाँ डिलीवरी हुई थी? ये मझगामा। गीता भाई मझगामा की है, उसका कुछ प्रसूत संबंधित पैसा आया था उसके खाते में, टोटल 12,000 रुपये थे। वो किसी कियोस्क वाले के यहाँ जो गांव का ही तिवारी है उसके पास गई थी, तो अंगूठा उससे लगवा लिया। और अंगूठा लगवाने के बाद उसका कहना है कि फिर उसने बोला कि तुम्हारा पैसा नहीं निकल रहा है, इस तरह से उसने पैसा उसको दिया नहीं। इसकी जानकारी जब वो बैंक गई तो उसको ये पता चला कि नहीं, तुम्हारा पैसा तो 4,000 निकल चुका है, 12,000 में से केवल 8,000 रुपये बचे हैं। इसी की शिकायत करने वाली थी, जिसकी जांच के लिए हमने लिख दिया है, और जैसे भी स्थिति क्लियर होगी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रीवा के स्थानीय अग्रवाल समाज भवन में अग्रवाल समाज द्वारा क्या अग्रवाल का सिविल जज की उपलब्धि हासिल करने पर अग्र गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि अग्रवाल समाज के जिला अध्यक्ष मोहित अग्रवाल ने आज्ञा का पुष्प गुच्छ से अभिवंदन कर केक कटवाया है और अग्रवाल समाज रीवा के अध्यक्ष एडवोकेट सुनील अग्रवाल, मंत्री नूतन अग्रवाल के साथ अग्र गौरव सम्मान पत्र प्रदान करते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। खिलजीपुर एसडीओपी आनंद राय खुद को फिट रखने के लिए रोजाना साइकिल चलाते हैं, जहां वे करीब 28 किलोमीटर साइकिल चलाकर खिलजीपुर से माँ जालपा मंदिर दर्शन करने पहुंचते हैं।
खुद को फिट रखने के लिए एसडीओपी आनंद राय ने साइकिलिंग को अपना शौक बना लिया है। ड्यूटी में जब भी समय मिलता है तो वह साइकिल चलाने निकल जाते हैं। उनका कहना है कि पुलिस में अच्छे से ड्यूटी करने के लिए फिटनेस भी जरूरी है, जिसको लेकर वह करीब एक साल से साइकिल चला रहे हैं। ड्यूटी में व्यवस्थाओं की बीच वैसे तो समय नहीं मिलता है, लेकिन जब भी समय मिलता है तो ड्यूटी के साथ साथ वह अपने फिटनेस का भी ध्यान रखते हैं और ड्यूटी के बाद फ्री समय में साइकिल चलाने निकल जाते हैं। एप्पल कंपनी के अधिकारियों ने पुलिस के साथ रीवा की कई मोबाइल शॉप में दबिश दी और बड़ी मात्रा में एप्पल मोबाइल की नकली एसेसरीज जब्त की है। दरअसल एप्पल कंपनी को लंबे समय से नकली एसेसरीज बेचने की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद जयपुर से आई कंपनी के अधिकारियों ने पुलिस के साथ दुकानों पर दबिश देकर भारी मात्रा में एप्पल कंपनी के नाम से बेची जा रही सामग्री जब्त की है। कल जयपुर से एप्पल कंपनी की टीम आई थी, वहाँ के जनरल मैनेजर आए थे। हमने शिकायत की कि शिल्पी प्लाजा में तीन दुकानें हैं, साईं बाबा मोबाइल, परी मोबाइल और राजा मोबाइल। ये लोग एप्पल का लोगो लगा के और फर्जी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। उनकी सूचना पर अपने स्टाफ के साथ दुकानों पर गए, उनका सामान वहाँ पर चेक किया गया। ये एक्सपर्ट थे, इनसे चेक कराया गया तो ये बताया कि सामान फर्जी है, तो वहाँ से सामान जब्त कर थाना लाया गया और इनके खिलाफ 63 कॉर्पोरेट एक्ट 1957 की धारा 63 के तहत कायमी की गई है। दतिया पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर यहां से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। दतिया जिले के ग्राम गणेशपुरा में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई है। यह अवैध असलहा बनाने वाली फैक्ट्री पंचायत चुनाव में हथियार खपाने के लिए लगाई गई थी। पुलिस ने यहां से 12 अवैध हथियार फैक्ट्री उपकरण के साथ आरोपी परशुराम झा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में अन्य हथियार मिलने की संभावना है। आरोपी पूर्व में भी अवैध हथियार की फैक्ट्री के साथ पकड़ा गया था। एक जो बदमाश था, जो पहले भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आर्म्स को लेकर के जेल में जा चुका था आर्म्स के रूप में, तो वो जेल से छूटा हुआ था। उसी की हम लोग निगरानी कर रहे थे और उसको लगातार हम लोग लोकेट कर रहे थे, जिसमें हमने थाना प्रभारी पंडोखर, एसडीओपी भांडेर और मेरे उसमें हम लोग लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे, जिसका नाम है परशुराम पुत्र लल्लू झा, उम्र 35 साल है। ये जोर बमोरी थाना मऊरानीपुर जिला दतिया का रहने वाला है, जब हम लोग जिला झांसी का रहने वाला है। ये पंडोखर में एक सिद्ध बाबा क्षेत्र है, सिद्ध बाबा क्षेत्र का एक जंगल सा थोड़ा क्षेत्र बनता, वहीं एक टपरी बना करके आर्म्स बनाने का काम कर रहा था, जिसमें जैसे ही सूचना प्राप्त हुई थी तो पूरी थाना प्रभारी की टीम एसडीपी साहब के निर्देशन में, हम एसपी सर के मार्गदर्शन में हम लोग उसकी घेराबंदी करी और आप देख रहे हैं कि 12 हथियार उनसे पकड़े हैं और पूरी फैक्ट्री जो है उससे पकड़ी है, चाहे वो बैटरी हो चाहे वो मशीन्स हो, आपके सामने आप देख ही रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नामांकन जमा करने के तीसरे दिन प्रत्याशी अपने फॉर्म जमा करते दिखाई दिए, जहां प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी प्रत्याशियों के फॉर्म जमा करते नजर आए। ग्राम पंचायत कार्यालय तामिया में पंच सरपंच एवं जनपद पंचायत के नामांकन फॉर्म जनपद पंचायत कार्यालय में जमा किए गए। शेष अभ्यर्थियों के फॉर्म सोमवार को जमा किए जाएंगे। सभी पार्टियों के समर्पित प्रत्याशी के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। गौरतलब है कि तामिया में पंचायत चुनाव बेहद ही घमासान और रोचक होता है। अब देखना यह होगा कि प्रचार प्रसार शुरू होते ही जनता किस ओर जाती है और किसे अपना नेता चुनती है। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल के अधिकारियों ने अच्छा काम करने के लिए रेलवे बोर्ड ने अवार्ड से सम्मानित किया है। डीआरएम सौरव बंदोपाध्याय ने जबलपुर मंडल पहुंचकर दक्षिण शील्ड ग्रहण की है। आपको बता दें कि बंदोपाध्याय के 7 महाप्रबंधक के 6 शील्ड व संयुक्त 4 शील्ड अधिकारियों ने ली है। इसके बाद वह अमरकंटक एक्सप्रेस से सुबह राजधानी भोपाल के कमलापति स्टेशन पर लाल लश्कर के साथ पहुंचे, जहां भोपाल मंडल के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। रैली के रूप में रानी कमलापति स्टेशन से लेकर डीआरएम तक सभी अधिकारी साथ रहे। इस अवसर पर डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय ने कहा है कि अधिकारियों की मेहनत के कारण ही भोपाल मंडल को यह शील्ड मिली है, आगे भी जिम्मेदारी के साथ सभी अधिकारी कर्मचारी काम करते रहेंगे। भोपाल जनसंपर्क की टीम को पहली बार दक्षता शील्ड मिली है, इसके लिए डीआरएम ने भोपाल के जनसंपर्क अधिकारी टीम को बधाई दी है। हर क्षेत्र में भोपाल मंडल का काव्य फहरा गया है और इसी तारतम्य में पूरे पश्चिम मध्य रेलवे ने जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं सभी ने एकजुट होकर काम किया और जो रेलवे की सर्वोच्च दक्षता शील्ड होती है, जिसको गोविंद वल्लभ पंत शील्ड होते हैं, वो भी हमने प्राप्त की है। तो इससे पूरा
WCR बड़ा उत्साहित है और सब में उमंग है कि आने वाले समय में और जोश से काम करके उन्नति के रास्ते को अख्तियार करके जन सेवा दें और रेलवे की गति बढ़ाएं, माल लदान बढ़ाएं, राजस्व बढ़ाएं और सर्वोत्कृष्ट परिणाम। सर, सील्ड मिलने की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है और भी काम करने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है? काम करने की जिम्मेदारी मतलब आपने एक सोपान प्राप्त कर लिया, परंतु अगले सोपान के लिए और कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। तो ये एक क्या है कि दृढ़ निर्णय करने का संकल्प आज जो ये दिख रहा है हमें इससे आगे करके। सीएम शिवराज सिंह चौहान शिक्षक बनकर स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हुए दिखेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री ने इसके लिए शिक्षा विभाग की अनुमति की बात कही है। भोपाल में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 के कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा है कि अगर शिक्षा विभाग अनुमति देगा तो महीने में दो बार मैं भी पढ़ाने स्कूल आऊंगा। स्कूल चले हम योजना दोबारा लागू करेंगे। वही MP में 8वीं के छात्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई करेंगे। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जहाँ 8वीं के छात्र AI की पढ़ाई करेंगे। राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 के विश्लेषण और भावी रणनीति पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार शामिल हुए। इस मौके पर शिक्षकों का सम्मान भी किया गया। इस दौरान शिक्षकों ने सीएम शिवराज से सवाल भी किया, जिसका मुख्यमंत्री ने जवाब भी दिया है। सीएम शिवराज ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए ये भी कहा है कि निकायों के चुनाव की घोषणा हो गई है, लेकिन इसके बाद हम शिक्षा जगत को जोड़कर एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे जहां अच्छा काम करने वाले शिक्षकों को मैं नमन करूंगा। एक बात, अच्छा काम करें हमने तय किया है कि जिले की भी रैंकिंग होनी चाहिए शिक्षा में, ब्लॉक की भी रैंकिंग होनी चाहिए शिक्षा में, फिर स्कूल की भी रैंकिंग होना चाहिए। और जो हमारे शिक्षकगण अध्यापकगण बढ़िया समर्पित मन से पढ़ा रहे हैं, कम से कम उनका सम्मान होना चाहिए। मैंने ये मैकेनिज्म बनाने का भी कहा है कि परफॉर्मेंस बेस्ड हम कुछ तो दें उनको, इसलिए विभाग उसका भी एक प्रारूप तैयार करेगा। विद्यार्थियों में अनुशासन हो, देशभक्ति का गुण हो, वो चरित्रवान ईमानदार कर्मठ केवल अपने लिए नहीं देश के लिए जीने वाले बने, इसके लिए ज़रूरत है एक ऐसी प्रणाली की कि जो उनमें इस समझ को विकसित करे, भाव को विकसित करें। इसलिए जाते समय प्रार्थना हो, आते समय हमारा राष्ट्रगीत हो, तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें और बेहतर बनाने में सहयोगी होगी। वैसे कई इनोवेशन नई शिक्षा नीति के तरफ में के अंतर्गत भी है और विभाग करने वाला है। फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए एशियन भारत के साथ।